नेक्स्ट है जी हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको पता ही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इसमें कितने इसका फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को तुम कैसे बना सकते हो अगर तुम्हें आए तो, ये तुम्हारे पास बन गया एक क्यूब। तो यहाँ पे एक लिगेंड है लिगेंड 1, इस ऑल्टरनेट रखना है हमने, ठीक है। 4 लिगेंड्स ऑक्यूपाई द ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे है। तो देखो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे मैंने रख दिए ये जो है लिगेंड्स अपने, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्सेस है तो उसमें तुम देखो कि कोई भी लिगेंड जो है, ये देखो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास जेड एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो कोई भी लिगेंड जो है, यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स हैं जो ये हैं, ये हमारे पास एक लिगेंड है, ये हमारे पास दूसरा लिगेंड है, ये तीसरा लिगेंड है, ये चौथा लिगेंड है। तो देखो कोई भी नन ऑफ द लिगेंड्स अप्रोच डायरेक्टली एनी ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल्स, कोई भी लिगेंड जो है वो डायरेक्टली मेटल डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच नहीं कर रहा, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन द मेटल डी ऑर्बिटल्स जो है अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब कुछ, ये कहानी तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसमें है कि जो 5D ऑर्बिटल्स है ना इसमें टेट्राहेड्रल में, वो कैसे स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे जो T2 है वो रिवर्स है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ पे हमने डेल्टा टी की बात करनी है, यहाँ पर हमने डेल्टा टी की बात करनी है। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पे जी सब्सक्रिप्ट हमने यूज़ नहीं करना T2 और E के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के पास कोई इन्वर्जन सेंटर नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में मेटल लगा था सारे लिगेंड इधर बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, तो ये ग्रुप थ्योरी की बात है, इसको हमें बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उस केस में क्या है कि हाँ जी इस केस में क्या है, जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं T2G वाले, वो ज़्यादा रिपल्शन जो एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी एनर्जी हाई होती है देन दिस DX²-YX EGC, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे दीज आर डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स फ्री मेटल आयन के, यहाँ पे जब वो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो T2 ऊपर चले जाते हैं, EG जो है वो नीचे आ जाते हैं। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए, तो टोटल एनर्जी 10 DQ डेल्टा टी, यहाँ पे हमने डेल्टा नॉट नहीं डेल्टा टी यूज़ करना है, -0.6 डेल्टा टी और ऊपर +0.4 डेल्टा टी, तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो स्मॉलर है देन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहली बात, लिगेंड्स कम है, लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल में 4 है, ऑक्टाहेड्रल में 6 है, ठीक है, बिकॉज देयर आर 2/3 लिगेंड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड नन ऑफ द लिगेंड्स अप्रोच द मेटल डी। पहली बात तो लिगेंड कम है, दूसरी वो डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं उसको। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, क्यों, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग 2/3 हो जाएगी। उसके बाद कोई भी डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो इसको हमें डायरेक्ट ऐसी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं कितना पॉइंट आउट कर रहा है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है कि कोई भी लिगेंड जो है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहा 5D ऑर्बिटल्स को, तो जो स्प्लिटिंग है इज़ रफली रिड्यूस्ड बाय 2/3। तो टोटल जो है इसको मिला के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, तुम्हें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट बात है, जो हमने ऑक्टाहेड्रल में जब CFSC निकाली थी तो उस केस में हमने कहा था कि जो हाई स्पिन और लो स्पिन निकाली थी, बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है दीज आर ऑलवेज हाई स्पिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन होते हैं, क्यों, पहली बात तो डेल्टा टी जो है इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट है, डेल्टा टी स्मॉलर है देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से, और डेल्टा टी हमेशा लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी जो है उससे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो कम ही होती है, इसलिए ये हमेशा हाई स्पिन है। जहाँ जो मर्जी लिगेंड हम यूज़ करें, चाहे हम वीक फील्ड लिगेंड यूज़ करें, चाहे हम
हाई स्पिन लिगेंड, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड यूज़ करें चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज़ करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो हमेशा हाई स्पिन बनते हैं। तो इसके केस में भी हम निकाल लेंगे अपना तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तुम्हें पता चल गया अगर स्प्लिटिंग में दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो हमने सीधा निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमेशा हाई स्पिन बनते हैं, यहाँ पे लो स्पिन वाला कोई चक्कर नहीं है। तो जब तुम बात करते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर डी वन है तो क्या आएगा, टी टू ऊपर है, ई जी नीचे है, तो क्या आएगा, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 0.6, ऐसे ही था ना। एक बार मैं बता देती हूँ, ये डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आए हैं, तो स्प्लिटिंग ऐसे ही हो रही है ना, ये और ये, और ये बैरी सेंटर है, तो यहाँ पे ये माइनस 0.6 डेल्टा टी, और ये आ रहा है प्लस 0.4 डेल्टा टी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो माइनस 0.6 इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये आ गया इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 डेल्टा, माइनस 0.6 डेल्टा टी, ठीक है जी। अब देखो चलो जी, ये मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है डी टू, तो डी टू के केस में आ जाएगा 1 2 माइनस 0.6 इंटू 2, तो माइनस 1.2 डेल्टा टी। देन अगेन डी थ्री, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 1, तो माइनस 1.2 प्लस 0.4 माइनस 0.8 डेल्टा टी। तो नेक्स्ट डी फोर टू डी टेन, ये आपने खुद से निकालनी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये मेरे ख्याल से निकल आएगी, ऑक्टाहेड्रल की मैंने बता दी है, तो टेट्राहेड्रल की आपकी हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपने निकाल लेना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्प्लिटिंग को डिपेंड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी ना उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होएगी। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव के लिए 3 इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग है, और 3 जितनी मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज कर सकते हैं लिगेंड्स। अगर अब हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है, अब देखो इसकी भी 2 पॉजिटिव है, इसकी भी 2 पॉजिटिव है, ठीक है, बट इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है 3d7, इसके हैं 3d8, तो डेल्टा नोट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग जो है वो कम होएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा d इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही वो प्रिवेंट कर रहे हैं लिगेंड्स को मेटल के क्लोज आने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, ये इसको लाइटली मत लेना ये पॉइंट्स को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जैसे हम मूव करते हैं 3d 2 4d 2 5d, मतलब 3d ट्रांजिशन मेटल सीरीज से 4d 2 5d जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है जी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती है 30% टू 50% फ्रॉम 3d टू 4d एंड सेम अमाउंट बाय 5d।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज डी ऑर्बिटल्स का बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होती है, साइज बढ़ी जा रहा है, तो लिगेंड जो है मेटल के आयन को और इजीली अप्रोच और क्लोजली अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मुझे अब दिखी जो है, हाँ जी ये देखो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज का है, रोडियम 4D का है और ये 5D का है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D टू 5D द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो अब आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड है वो स्मॉल स्प्लिटिंग करते हैं, स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसको हम ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी है, जिस बार के नीट के पेपर में सीधा क्वेश्चन आया था लिगेंड्स का, तो इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अरेंजमेंट है जो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखो डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स ज़्यादा हैं उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग है, ठीक है। अब देखो, अब है स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के इसमें क्या है, उसमें लिगेंड स्क्वेयर प्लेनर में भी 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 लिगेंड है, बट नंबर ऑफ लिगेंड स्क्वेयर प्लेनर में कम है, स्मॉलर है, बट वहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स निकल का हमने बनाया था साइनाइड के साथ, तो बना था जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब जो ऑक्टाहेड्रल वो वीक के साथ ही बन जाता है, ठीक है। या तो स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बनता है या फिर 4D और 5D सीरीज के साथ बनता है, लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो, या फिर 4D और 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कम है बट स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है जी। तो अभी तो ये मैंने आपको करा दिया है, ये मैंने आपको करा दिया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो ये सारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 हाई स्पिन, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ये एक बार अगर आपको देखना है तो आप देख लेना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल का ये रिलेशनशिप हम करेंगे लाइव क्लास में, बताऊँगी ये क्या है टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ से हमारा ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है, फिनिश 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 फिनिश। तो आई होप आपको समझ लग रहा होगा, पता नहीं लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, तो उसमें एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। और बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको थोड़ा इजीली लेने की आदत है, तो बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बता दो 2 to 5 क्वेश्चंस कवर करती हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और इसमें से अच्छे क्वेश्चन आ गए, और लड्डू क्वेश्चन है भाई साहब, लड्डू बड़े पेपर में उठाओ और खा लो, बस 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वो मैं लास्ट में एक बार रिवीजन जब कराऊंगी कंक्लूजन में बता दूंगी, तो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है जी। तो चलो कोई बात नहीं, इतना पहले आप इतना पढ़ो, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ।